मिहिर ने जल्दी से देविका से कहा, अब मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, बस इसलिए मिल नहीं पाया। इतनी बातें करते हुए देविका अब तक अपने नॉर्मल केयरलेस पर्सनैलिटी में लौट आई और बोली, ठीक है, उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास मोबाइल है, तो लाओ अपना मोबाइल, मैं उसमें अपना नंबर डायल करती हूँ, इससे हमारे नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भी ऐड कर सकते हैं। देविका के इस तरह मोबाइल फोन मांगने पर मिहिर एक नजर आलिया की तरफ देखता है, लेकिन फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर देविका को दे देता है और वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। आलिया अपने सामने उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट, क्या मुझे भी तुम दोनों बताओगे कि तुम दोनों कब और कहां मिले और ये किस बारे में बात कर रहे हो? आलिया के इस तरह सवाल पूछने पर मिहिर और देविका ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंस पड़े। उसके बाद देविका ने आलिया को पहाड़ पर मिहिर से मिलने वाली पूरी कहानी सुनाई और उसको सुनाने के बाद आलिया समझ गई कि क्या चल रहा है। इसके बाद आलिया ने मिहिर से कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिहिर, मैं अपने जिस फ्रेंड के स्टोर में तुम्हें लेकर जाने वाली थी वो असल में देविका का ही फैमिली स्टोर है और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पहले से ही मेरी फ्रेंड को जानते हो। उन दोनों को साथ में देखकर देविका के दिमाग में एक सवाल आया और उसने आलिया से पूछा, एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से मिहिर का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। आलिया देविका के इस सवाल का कोई भी जवाब देती उससे पहले ही मिहिर बोला, ओह रियली देविका, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि वो मेरी डियर वाइफ है? मिहिर की ये बात सुनकर देविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने एकदम अविश्वास से कहा, क्या सच में तुम दोनों की शादी हो गई है? मिहिर के इस तरह बोलने पर आलिया का चेहरा शर्म और गुस्से से मिले जुले भाव से एकदम लाल हो गया। उसने मिहिर को हल्के से अपना पैर मारा और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, कम ऑन देविका, उसकी बात पर भरोसा मत करो, वो हमेशा ही इस तरह बकवास करता रहता है। देविका ने गौर से उन दोनों की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है, मिहिर या आलिया। लेकिन ये बात सुनकर देविका के चेहरे की स्माइल तो अब तक गायब हो गई और वो एकदम सीरियस होकर खड़ी हो गई। देविका को ऐसे सीरियस होते देख आलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैंने तुमसे कहा ना, इसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी बोलता है। आलिया की बात सुनकर देविका फीकेपन से मुस्कुराई, जबकि मिहिर उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर मजे ले रहा है। तभी आलिया ने बात का टॉपिक बदलते हुए कहा, चलो शोरूम में चलकर गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं, आखिर हम यहाँ पर कार खरीदने आए हैं। देविका अब तक अपने लापरवाह बिहेवियर में वापस लौट आई और मिहिर के कार खरीदने की बात सुनकर देविका ने शक भरी निगाहों से मिहिर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, रियली मिहिर, तुम इतने अमीर हो कि यहाँ मेरे 4-स्टार शोरूम से कार खरीदने आए हो, तुम तो गरीब हो और वो भंगार बेचते हो। देविका ये सब मिहिर की तरफ देखते हुए बोल ही रही है, तभी आलिया उसकी बात काटते हुए बोल पड़ी, क्या मिहिर और गरीब, ये क्या बोल रही हो देविका तुम? आलिया आगे बोलते हुए देविका से कोई भी बात क्लियर कर पाती, इससे पहले ही मिहिर हंसते हुए बीच में बोल पड़ा, अरे अब जब हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं तो तुम मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे देना। आलिया ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, रियली मिहिर, तुम देविका से ऐसे सामने से डिस्काउंट के लिए कैसे बोल सकते हो, मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मिहिर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम मेरे अलावा देखा भी मत करो किसी और को। देविका ने उदारता दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है और उसके लिए मैंने आज तक तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला, तो उसके बदले में एक कार कुछ भी नहीं है। चलो शोरूम में तुम्हें जो भी कार पसंद आएगी वो मैं तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूंगी। मिहिर हंसते हुए बोला, अभी तो फ्री में कार देने के लिए बोल रही हो, लेकिन फिर बाद में पछताना मत। देविका ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं एक बार अपने डिसीजन लेने के बाद कभी नहीं पछताती हूं, चलो शोरूम में चलते हैं। इतना बोलकर देविका शोरूम की तरफ बढ़ी और मिहिर और आलिया ने भी उसका पीछा किया। कुछ ही देर में वो तीनों 4-स्टार कार शोरूम पहुंच गए और मिहिर ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन थोड़ी देर तक शोरूम में घूमकर देखने के बाद भी उसे कोई कार पसंद नहीं आई। देविका ने मिहिर से कहा, बताओ इनमें से कौन सी कार पसंद है तुम्हें और वो आज मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। मिहिर ने चारों तरफ देखते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे अब तक इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। आलिया मिहिर को लगभग डांटते हुए बोली, तुम इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो, पहले तुमने कहा कि तुम्हें कार खरीदनी है और यहां देखो कितनी शानदार कारें हैं, लेकिन तुम्हें इनमें से एक भी पसंद नहीं आ रही,
सच में आखिर तुम चाहते क्या हो? देविका ने भी शिकायती लहजे में कहा, हाँ अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है तुम हमारे शोरूम की इंसल्ट कर रहे हो। मिहिर जल्दी से उन दोनों लड़कियों को सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, वो बस मैं कुछ अलग लेना चाहता हूँ, एक ऐसी कार जो बहुत मजबूत हो और पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चल सके और जल्दी किसी की नजर में ना आए। मिहिर की पसंद जानने के बाद देविका थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा ही दिखाती हूँ, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। देविका की ये बात सुनकर मिहिर और आलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों देविका के पीछे चले गए। देविका उन्हें शोरूम से अपने बड़े से गोदाम में लेकर आई। वहां पर बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कि काफी दिनों से वहां कोई नहीं गया। और गोदाम के अंदर आते ही एक ढकी हुई रखी चीज से देविका ने कवर हटाया और मिहिर उस चीज को दिलचस्पी से देखने लगा। मिहिर थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोला, ओह माय गॉड ये क्या है? आलिया ने भी हैरानी से कहा, रियली मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। देविका ने मिहिर और आलिया को बताया, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक टैंक है और मुझे लगता है शायद तुम ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हो। मिहिर मजबूत दिखने वाले टैंक के चारों ओर एक चक्कर लगाते हुए बोला, हाँ मजबूत तो रहेगा ये और जैसा मैं चाहता हूं शायद वैसा चले भी, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। आलिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम और तुम्हारी कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम्स। मिहिर को सीरियस देखकर देविका ने पूछा, ठीक है बताओ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊं। मिहिर ने उस टैंक की तरफ देखते हुए देविका से कहा, देखने में तो इसका स्टील अच्छा है और ये बहुत दमदार है, इसलिए मैं इसे जरूर ले लूंगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बिल्कुल भी कार जैसा नहीं दिखता और आसानी से सबकी नजर में आएगी और मुझे अब वही नहीं चाहिए। देविका ने कुछ सोचकर अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है मेरे पास। इतना बोलकर देविका ने अपने फोन से किसी का नंबर डायल किया और उससे बात करने लगी। आलिया और मिहिर दोनों को समझ नहीं आया कि देविका किससे बात कर रही है, इसलिए चुपचाप दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और देविका की कॉल खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं पर खड़े रहे। देविका ने कॉल पर किसी से बात करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, मैंने एक कार मॉडिफाई करने वाले अपने फ्रेंड को कॉल किया है, वो बस यहां पर आता ही होगा और तुम उससे बात करके उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा लेना। आलिया ने एक्साइटमेंट में पूछा, ओह वाओ मुझे नहीं पता था इस तरह टैंक मॉडिफाई करके कार भी बना सकते हैं। देविका ने आलिया को बताया, हाँ स्पेशल ऑर्डर पर सारे काम होते हैं और वैसे भी ये इतने दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अगर मिहिर इसे ले लेता है तो सच में मिहिर का ही मुझ पर एहसान होगा। मिहिर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ अब तुम फ्री में दे रही हो तो मैं डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट कर ही लूंगा। और वैसे अपने कौन से फ्रेंड को फोन किया है तुमने? देविका ने मिहिर को बताते हुए कहा, करण मित्तल, तुम उसे नहीं जानते लेकिन वो इस तरह के काम में एक्सपर्ट है और एकदम प्रोफेशनल, वो बस अभी आता होगा तो तुम उससे खुद ही मिल लेना। मिहिर आलिया और देविका वहां पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं, तभी करीब 20 मिनट में 30 साल का एक आदमी देविका के शोरूम में आया और वो तीनों अब तक गोदाम से निकलकर शोरूम में आ गए। देविका ने करण को वहां देखते ही उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, इनसे मिलिए ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और इस मुंबई सिटी के बेस्ट कार मॉडिफायर मिस्टर करण मित्तल, ये अपने काम में परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़कर करण से हाथ मिलाते हुए मिहिर ने कहा, ओ हेलो मिस्टर करण, मैं मिहिर हूं और ये। लेकिन फिर आलिया की तरफ देखते हुए वो चुप हो गया और आलिया खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, और मैं देविका की फ्रेंड हूं आलिया कपूर। करण भी उन दोनों से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, देविका ने पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन आप दोनों से करवा दिया, लेकिन सच में मुझे आप दोनों से ही मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिहिर करण को याद दिलाते हुए बोला, हाँ अभी तो अच्छा लगा लेकिन मैं आगे कुछ काम के लिए आपको परेशान करने वाला हूं, फिर शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। करण ने मुस्कुराकर बहुत ही अपनेपन से कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है और अपना काम करने में परेशानी कैसी है। वैसे आप देविका के दोस्त हैं तो आगे चलकर आप दोनों मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। करण मित्तल एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है जो अपने काम को बहुत सीरियसली लेता है, और उसके बाद मिहिर उसके साथ गोदाम में जाकर उस टैंक को मॉडिफाई करके एक एसयूवी कार में बदलने के बारे में डिस्कस करते हुए बात करने लगा। दोनों लड़कियां तब तक बोर हो रही हैं, इसलिए वो दोनों शोरूम के बाहर आसपास चहलकदमी करने चली गईं। मिहिर के साथ उस पुराने टैंक को मॉडिफाई करने का डिस्कशन करते हुए करण ने कहा, आपने सच में बहुत कुछ सोचा है,
और भले ही ये काम थोड़ा चैलेंजिंग है बट मुझे भी चैलेंजेस पसंद है और मैं अपनी तरफ से सारे एफर्ट डालूंगा और इसे एक बेस्ट कार बनाऊंगा। करण की ये बात सुनकर मिहिर खुश होते हुए बोला, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक डिनर की ट्रीट दूंगा। करण ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल ट्रीट तो बनती ही है बट पहले ये बन जाए। कुछ देर तक इसी तरह से बात करने के बाद मिहिर ने कहा, वैसे अभी भी दोपहर के लंच का टाइम हो गया है इसलिए चलो साथ में कुछ खाना खाने चलते हैं। करण ने आलिया और देविका को याद करते हुए कहा, हाँ 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 लड़कियों को भी साथ ले चलते हैं, उन्हें भी भूख लगी होगी, बट वो दोनों है कहाँ? मिहिर ने आलिया और देविका को बाहर जाते नोटिस किया था तो वो करण को बताते हुए बोला, हाँ वो दोनों साथ में ही हैं, मैंने उन्हें शोरूम के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा, चलो उस तरफ ही चलते हैं। करण और मिहिर जैसे ही एक साथ शोरूम के दरवाजे के बाहर आए और कुछ कदम ही आगे चले तभी मिहिर और करण दोनों को एक गुस्से वाली सख्त आवाज सुनाई दी, मैं इतने दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा हूं और तुम मुझे आज यहां पर मिले इस शोरूम के बाहर। मिहिर ने अपने सामने देखा तो फ्लावर प्रिंट वाली शर्ट पहने एक लड़का वहां पर सामने है और वो कोई और नहीं देविका का भाई तन्मय है। मिहिर को समझ नहीं आया कि वो लड़का उससे ये सब क्यों बोल रहा है, इसलिए मिहिर ने कंफ्यूजन से पूछा, तुम कौन हो और इतने दिनों से क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? तो क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।